अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। खून के होली खेलने वाले तालिबान पर मातम छाने वाला है। भारत के मास्टर स्ट्रोक से फट गई तालिबानी की नए राष्ट्रपति के नशे। इमरान खान की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें बाथरूम में कोई पानी तक नहीं दे रहा। दोस्तों, आप तालिबानी खुशियां नहीं बल्कि अपने मौत के दुख में चीखे भरने वाले हैं। आज भी अफगानिस्तान के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां कदम रखने से भी तालिबान के रूह कांप जाते हैं। कब्जा करने की बात तो बहुत दूर की है, उन्हीं इलाकों में तालिबान और पाकिस्तान की कब्रें खुदने वाली है। पूरी बात बेहद विस्तार से बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। पाकिस्तानी लोगों की भी वही हालत होने वाली है जो आपने काबुल एयरपोर्ट पर देखा है। आज पाकिस्तान के अंदर लोग मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन कल उन्हें कफन देने वाला भी कोई नहीं होगा। इस वक्त भारत यूएनएससी में वेटिंग कर रहा है और पाकिस्तान को जमकर धो रहा है। जब से भारत ने पाकिस्तान के मुंह में गोली मारी है, तब से पाकिस्तान बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका है। मेरे दोस्तों, तालिबान के लिए भयंकर मुसीबत सामने आ चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। आप में से ज्यादातर लोग हमारे बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो घबराइए मत दोस्तों। आज सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करके 5 स्टार दे दे और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान को आता देख कश्मीर में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कश्मीर पर तालिबान का क्या चलता है, ये बात भी आज हम आपको बताएंगे। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की कितनी भयानक दुर्दशा होने वाली है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है, उसे सुनकर तालिबानियों के होश उड़ जाएंगे। आज भले ही तालिबानी लड़ाके छोटे छोटे बच्चों की तरह चिल्ड्रन पार्क में छोटे छोटे गाड़ियां चला रहे हो, जिम में मौज मस्ती कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उन्हें ये मस्ती भरी पड़ने वाली है। भारत लगातार मास्टर स्ट्रोक खेलता जा रहा है। यूएन में पाकिस्तान और तालिबान दोनों को भारत ने जमकर धोया है। भारत ने पाकिस्तान को मार मार कर उसके मुंह से खून तक निकाल दिया, तो वही दूसरी तरफ तालिबान खुद ब खुद तरप तरप कर मारने वाला है। भारत ने अपने कूटनीति से पाकिस्तान पर कई खतरनाक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में सुरक्षा चौकसी को और बढ़ाई जाएगी। बता दे कि भारत भी तालिबान की गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। तालिबानी कैसे सरकार का गठन करती है और वहाँ की आवाम के साथ तालिबान कैसे आचरण करेगा, बहरहाल इन सब पर भारत की निगाहें पैनी है। हालांकि विश्व भर में इस बात की चिंता जाहिर की जा रही है कि कहीं अफगानिस्तान दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का पहला केंद्र नहीं बन जाए। मंगलवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। हालांकि इसका बहुत सीमित प्रभाव होगा, क्योंकि तालिबान ने ताकत की स्थिति में सत्ता हासिल कर ली है। ISI केवल कमजोर तालिबान को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसकी संभावना कम ही दिखती है। सूत्रों ने बताया कि अतीत में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी संगठनों के शिविर थे, इसलिए हमें जम्मू कश्मीर में सावधान रहना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान को कश्मीर के खिलाफ भड़कने की पूरी कोशिश पाकिस्तान कर सकता है, इससे भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा और लश्कर ए जंगवी जैसे पाकिस्तान स्थित समूह की अफगानिस्तान में कुछ उपस्थिति है। उन्होंने तालिबान के साथ काबुल के कुछ गाँव और कुछ हिस्सों में चेक पोस्ट बनाए है। बता दे कि भारत के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सीमा पर आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए काफी मजबूत और आत्मनिर्भर है, साथ ही सीमा पर आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए भी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर तालिबान पर कौन सा ऐसा मुसीबत टूट पड़ा है जिसे जानने के बाद तालिबान के नए राष्ट्रपति भी बौखला गए हैं। मेरे दोस्तों, तालिबान ने जिस प्रकार से मासूम अफगानी भाइयों को तड़पाया है, उसका फल तो उसे मिलेगा ही। और अब हो सकता है कि भारत भी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ एक बड़ा गेम खेल दे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, लेकिन आसान नहीं सत्ता की राह।
अफगानिस्तान पर तालिबान के पूर्ण कब्जे के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। इस्लामिक अमीरात के नाम पर सरकार बनाने वाला तालिबान शरिया कानून को लागू करने वाला है। 1996 से 2001 तक तालिबान शासन को देख चुके अफगान और पूरी दुनिया नई सरकार के नाम से डरी हुई है। यही कारण है कि पिछले 3 दिनों से आ रही काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें लोगों को डरा रही है। विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा ने कहा है कि तालिबान देश की कमान संभाल नहीं पाएगा और यहां अराजकता फैलते देर नहीं लगेगी। आने वाले समय में अफगानिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे जिसे संभालते संभालते तालिबान की नानी याद आ जाएगी। कमर आगा का कहना है कि तालिबान ने पूरा मुल्क कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इसके उलट आम जनता तालिबान के साथ नहीं बल्कि डरी हुई है कि उनका क्या होगा। देश से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं और मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में ये सरकार लंबे वक्त तक चल पाएगी इसका संभावना कम है। उन्होंने साफ कहा है कि तालिबान देश को अमन शांति नहीं दे पाएगा और ना अफगानिस्तान का विकास होगा। आने वाले समय में देश में अराजकता होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और पाकिस्तान इसे सपोर्ट करेगा। उनका कहना है कि देश के अंदर ही संगठन बनेंगे, अफगान सेना खुद ट्रेंड है और वे उठ खड़ी होगी। आगा ने कहा है इस बार वे जल्दी खड़े होंगे, उनके पास असल्स है और इसलिए भयानक जंग होगी। एक बार गृह युद्ध शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगा। उनका कहना है कि 20 साल में अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदला है और बहुत विकास हुआ है। यहाँ के युवा आगे आ रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जबकि तालिबान वैसा ही है। इसलिए अफगानिस्तान के लोग अभी आगे आएंगे और तालिबान को भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, तालिबान के अंदर भी अभी नेतृत्व को लेकर झगड़ा होने की आशंका उन्होंने जताई है। उन्होंने बताया है कि तालिबान की काउंसिल का हेडक्वार्टर क्वेटा में है, जो बलूचिस्तान की राजधानी है। संगठन के सारे लीडर वही रहते हैं और वही मिलते हैं। तालिबान बहुत बड़ा गुट है और अभी आपस में इनकी जंग जमीन के बंटवारे को लेकर होगी, क्योंकि अफगानिस्तान खनिजों से भरी जमीन है। इसलिए तालिबान के अफगानिस्तान में स्थिर सरकार बना पाने की संभावना कम है, क्योंकि इनमें आपस में ही फूट पड़ने लगेगी। आगा के मुताबिक अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत से डर था कि एक न एक दिन इस्लाम के नाम पर वे अफगानिस्तान में दाखिल होंगे। उन्होंने बताया है पाकिस्तान का नाम एक शॉर्ट फॉर्म है, जिनमें पी का मतलब पंजाब, के का मतलब कश्मीर और इसी तरह ए का मतलब अफगानिस्तान है। देश के लोगों को जो शुरू से डर था वही हुआ उनके साथ। आगा का कहना है कि आधे से ज्यादा पख्तून हिस्सा पाकिस्तान में डूरंड लाइन के पार है, जिसे काबुल नहीं मानता। उसे हमेशा से पाकिस्तान से खतरा था, वे अब अमेरिका से भी नाराज है, पाकिस्तान से भी, और उसके ऊपर तालिबान थोप दिया गया है। उन्हें शक है कि तालिबान के लिए इस पूरे घटनाक्रम की रणनीति पाकिस्तान ने बनाई होगी और उसके लड़ाकों को पाक सेना गाइड कर रही होगी। हालांकि तालिबान की फैलाई आग में पाकिस्तान के इलाके खुद भी झुलसेंगे। पाकिस्तान की सह पर तालिबान के आगे बढ़ने भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। आगा ने बताया है कि रूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। यहां पहले भी कट्टरपंथी गुटों का उपद्रव रहा है, जिससे लेकर रूस को भी डर है और वे भारत और ईरान से बातचीत कर रहा है। आगा का कहना है कि भारत को चाहिए कि अंदरूनी ग्रुपिंग बने और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ गठबंधन करके रणनीति बनाई जाए। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।